झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अग्रेश छाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं। यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज सुबह के कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, सरकारी फैसले कुछ नए निकल के आए हैं या नहीं आए हैं, विदेशों में कमोडिटीज में कितनी हलचल है और उनकी वजह से भारत के बाजार में कमोडिटीज बाजार कैसा देखने को मिल सकता है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि कैसे सी का दिसंबर वायदा 6200 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। कल के कारोबारी सत्र में देखा था कि हमने क्लोजिंग होते होते लगभग सारी की सारी एग्री कम्युनिटीज लाल निशान पर क्लोज होती नजर आई थी। रूपा जी, अगर बात करें यहाँ से अगर एग्री कम्युनिटीज़ की, तो एग्री कम्युनिटीज़ में हमने कल शाम को देखा था कि क्लोजिंग होते होते सारी एग्री कम्युनिटीज़ लाल निशान पर क्लोज होती नजर आई थी। अब वहीं से बात करें अगर कैसे सीड की, तो कैसे सीड का जनवरी वायदा देख रहे हैं कि 6200 के घरों में ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है यहाँ से अब कैसे सीड में आगे कैसा रुझान रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि कैसे सीड 6500 के बाद सीधा 6200-6000 तक के भी लेवल्स दिखा चुका है। देखिए, कैसेट में अखिलेश अभी भी रुझान तो वही है, डाउनसाइड ही है। मार्केट थोड़ा सा निचले स्तरों पर रिकवरी जरूर दिखा रहा है और 6000 का अब सपोर्ट बन रहा है नीचे में, और 6000 का वो अगर ब्रेक नहीं करता है तो वापस उठ सकता है मार्केट, अदरवाइज नीचे गिरा तो फिर तो इस पे गिरावट बढ़ सकती है, 5800 से 5500 के भी स्तर बन सकते हैं, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट डिमांड पर वापस से जो है वो कमी आती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों से लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी फिलहाल करेक्शन ही है। आज इंट्राडे में भी मुझे लगता है कि एक बार नीचे लुढ़क सकता है, 6180 से 6140 तक नीचे जा सकता है। जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं कि 2785 पर ट्रेड कर रहा है और 2865 का हाई लगा चुका है। रूपा जी, ये जो बिनौला खल ने आज 2865 का हाई लगाया है 2700 के घरों में ट्रेड करने के बावजूद, आपको क्या लगता है क्या बहुत ही जल्द बिनौला खल 2850 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी देने वाला है? देखिए, ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और डेफिनेटली इसमें तेजी का रुझान बन सकता है, और इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि दिसंबर वायदा की एक्सपायरी के बाद इसमें तेजी बनेगी, यानी कि एक हफ्ते के बाद जो है इसमें और ज्यादा अपडेट जो है तेजी बनती हुई दिखाई देगी और मार्केट ऊपर जा सकता है। और जो भाव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 3000 से लेकर 3200 तक ऊपर एक बार जनवरी वायदा जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, जी बात करेंगे धनिए की, तो धनिए का जनवरी वायदा देख रहे हैं 8600 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, कल के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि धनिए के वायदा बाजार ने 9100 के ऊपर का हाई लगा दिया था, और अगर बाकी धनिए के वायदों पर नज़र डालें तो वो भी 9100 के ऊपर पहले से ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। रूपा जी, आपको क्या लगता है इस कारोबारी सप्ताह धनिए में क्या अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, धनिए में तेजी ही है अखिलेश, और तेजी बिल्कुल बन सकती है और भी तेजी यहाँ से मार्केट उठा सकता है। और अभी जो इस तरीके से हम जनवरी वायदा देख रहे हैं कि कल के कारोबारी सत्र के मुकाबले फिसला है, लेकिन वहीं अप्रैल वायदा में भी अच्छी तेजी है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूशन में बना रह सकता है। और अभी जो करेक्शन आज देखिए जो लगातार तेजी आई थी उसके बाद थोड़ा सा बाजार स्लिप करता हुआ दिखाई दे रहा है, 8500 तक हो सकता है नीचे लुढ़ के, 8500 के आसपास वापस से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर देखने को मिल सकता है। जी, ये सर रूपा जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरा भी देख रहे हैं कि आज बढ़िया बढ़त के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है, 16370 का लेवल पकड़ा है एकदम से और 2% की तेजी है। रूपा जी, जीरे में हम देख रहे थे कि 16000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था, वहीं से आज देख रहे हैं कि लगभग 400 पॉइंट की बढ़त बनती नजर आई है। ऐसे में आपको क्या लगता है क्या दिसंबर एंड होते होते जो जीरे की एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होने की बात कही जा रही थी, क्या वो एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ से अब धीरे धीरे पिकअप शुरू हो गई है? देखिए, जीरे में अभी फिलहाल तेजी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जीरे के अंदर कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा, छुटमुट खरीदारी आ सकती है लेकिन अभी फिलहाल लंबी तेजी नहीं है। जी, ये सर जी बात करें अगर टर्मेरिक की, तो हल्दी में भी हमने अच्छी तेजी के बाद एक नरमी का रुझान भी आते हुए देखा है। कल के कारोबारी सत्र में क्लोजिंग होते होते हमने हल्दी की कीमतों में गिरावट बनती हुई देखी थी, आपको क्या लगता है
क्योंकि हम देख रहे हैं कि हल्दी की प्रोडक्शन भी अच्छी बताई जा रही है, कि हल्दी का कैरियर स्टॉक अच्छा है और जो न्यू क्रॉप है वो भी अच्छी रह सकती है, लेकिन जो पुराना स्टॉक है उसकी मांग नहीं है, जो खरीदार हैं वो नई क्रॉप की मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या हल्दी की कीमतों में कुछ हल्की फुल्की तेजी बनती नजर आ सकती है? देखिए, हल्दी में अभी फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम ही है और जो हमने पीछे एक दो ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी आते हुए देखी और वो अब कंटिन्यूशन में रह सकती है और मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम को बना रह सकता है और अप्रैल वायदा हम ऊपर में 9200 तक एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो फिलहाल अप्रैल वायदा के अंदर इसमें बाइंग की पोजिशन बनाकर चलना चाहिए। अप्रैल वायदा हम ऊपर ये सर जी बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में हमने कल की क्लोजिंग होते होते 6-6% के ऊपरी सर्किट लगते देखे थे, आज देख रहे हैं कि वही कीमतें आज भी कंटिन्यूशन के साथ ट्रेड कर रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे समय में जिन लोगों को पहले प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिला था ग्वार के अंदर, अच्छा मौका रहेगा प्रॉफिट बुक करके निकलने का? अभी से बाउंस बैक आया है और तेजी की तरफ मार्केट जा रहा है, तो अभी थोड़ा सा वेट करें, मुझे लगता है कि अभी और उठेगा मार्केट यहाँ से 11,000 के ऊपर। जनवरी वायदा है तो दिसंबर वायदा भी 11,000 के बेहद करीब है, तो आई थिंक अभी यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम बनना चालू हो चुका है और सीड भी आप देखिए 6,000 के ऊपर निकल गया, तो अभी तो वेट करें, वापस से तेजी आ रही है मार्केट में और ये बाजार अभी ऊपर जा सकते हैं। सीड जो है 6500 तक जा सकता है और वही गम जो है हम जैसे पहले भी बता रहे थे कि 12,000 से 13,000 का स्तर गम में भी देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, आपके मुताबिक ग्वार गम ग्वार सीड में जैसे आपने बताया कि अभी तेजी बनती नजर आ रही है, थोड़ा वेट कर लें, तो ये क्या छोटी अवधि के लिए रहेगी या फिर यहाँ से अच्छी रैली निकल जाएगी? देखिए, एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से अब रैली बन सकती है क्योंकि ग्वार ही अब ऐसी कमोडिटी दिखाई दे रही है जिसमें पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है बाकी सभी अदर कमोडिटीज के कंपैरिजन में, और अभी यहाँ से मूवमेंट जो है वो तेजी का बन चुका है, वापस से सभी बाइंग में आ चुके हैं और अभी जिन्होंने नीचे से माल खरीदा था वो अब वापिस से इसके अंदर पोजिशनें जो है अपनी निकालने के लिए, हो सकता है कि हैवी सेलिंग भी आपको ऊपरी स्तरों पर देखने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल 12,000 से 13,000 तक तो एक बार मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। जी ये सर जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वादा देख रहे हैं 6300 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.5% की करेक्शन है। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि विदेशों में भी तेल थिलन के बाजार में अब कुछ नरमी का रुझान देखने को मिल रहा है और यहाँ भी देख रहे हैं कि घरेलू वायदा में भी और हाजिर में भी सोयाबीन में अब कुछ हल्की नरमी देखने को मिली है। आपको क्या लगता है, सोयाबीन के फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद अब ये जो नरमी देखने को मिल रहे हैं वायदा और हाजिर दोनों में, इनके कारण क्या क्या हैं और अब आगे सोयाबीन में क्या करके चला जाए जिससे मुनाफा हो? देखिए, सोयाबीन तो अब कमोडिटी के अंदर जो हमने तेजी आते हुए देखी थी, फार्मर्स माल नहीं निकाल रहे थे लेकिन अब अराइवल्स का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन मंडियों में माल जो है वो पहुंचना शुरू हो गया इन लेवल्स पर, अब किसान जो है वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं जो काफी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 7,000 तक सोयाबीन जाएगी, लेकिन अब देखिए जब ये माल निकल जाएगा मुझे लगता है उसके बाद फिर से प्राइजेस में बूस्ट अप आ सकता है, लेकिन जो जो ट्रेडर्स हैं जो होल्ड कर सकते हैं स्टॉकिस्ट, उन्होंने अभी भी माल स्टॉक किया हुआ है और वो इन लेवल्स पर भी स्टॉक करते हुए मार्केट में नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सोयाबीन जो है वापस से पॉजिटिव जा सकता है। देखिए, फंडामेंटल तो सपोर्टिव है ही और अभी जो है सेलिंग देखने को मिल रही है, एक तो एक्सपायरी है और दूसरा मंडियों में भी अब माल निकलना चालू हो गया है, इस वजह से भी हैवी सेलिंग जो है वो फार्मर्स की तरफ से देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रेडर्स अभी भी इसके अंदर एक्टिव हैं, वो पोजीशनें बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि सोयाबीन एक बार वापस से गिरावट के बाद उठता हुआ नजर आएगा। ये गिरावट 6,000 तक हो सकती है जनवरी वायदा में, लेकिन यहां से अगर 200-250 पॉइंट गिरता है तो वापस से फिर ऊपर उठेगा और 6500 से 6800 तक जा सकता है, यानी 7,000 का टारगेट भी अभी बाजार में हुआ है और वो लेवल्स अचीवेबल है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि वायदा बाजार अगर सोयाबीन का नीचे जाता है तो नीचे में 6,000 तक जा सकता है, लेकिन रूपा जी के अनुसार वहां से फिर से बाउंस बैक करेगा और तेजी की ओर जाता नजर आएगा। हालांकि जो रेंज रहेगी निचले स्तरों से और ऊपरी स्तर तक हासिल करने की, जो लेवल्स रूपा जी ने बताए हैं वो थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन निचले स्तर से खरीदारी जरूर निकलेगी। सोयाबीन के फंडामेंटल्स मजबूती की ओर है। अभी हाल फिलहाल में जैसा रूपा जी ने बताया है कि मंडियों में किसानों ने अपनी सोयाबीन की बिकवाली शुरू की है, आवकें थोड़ी बड़ी हैं जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में एक नरमी आते हुए हम देख रहे हैं। दूसरा, विदेशों में भी तिलन बाजार में हल्की फुल्की गिरावट दर्ज की जा रही है जिसका असर भारत के तेल तिलन की कीमतों पर पड़ता नजर आ रहा है। इसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में नरमी वाला रुझान देखने को मिल रहा है।
ये सर ऊपर जी बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो रिफाइंड सोया ऑयल में और सीपीओ में भी हम देख रहे हैं कि सीमित दायरा है, काफ़ी ज़्यादा कुछ ज़्यादा गिरावट भी नहीं है तो ज़्यादा तेजी भी नहीं है। ऐसे में आपकी तरफ से सीपीओ और रिफाइंड सोया में क्या सलाह रहेगी? गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है, इनफैक्ट आज एडिबल ऑयल में सभी में गिरावट है, लेकिन वहीं अगर रिफाइंड सोया की बात करें तो वो भी फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, 2.25% लुढ़क चुका है। रिफाइंड सोया में तो मुझे वैसे भी पहले भी पॉजिटिवनेस नहीं दिखाई दे रही थी, लगातार बाजार प्रेशर में ही है और जो भी ये सभी तेलों में तेजी आ रही थी उसकी वजह से थोड़ा सा ये भी उठता हुआ वायदा में दिखाई दिया था, लेकिन आज वापिस से देखिए जो 1200 के आसपास था वो 1160 के आसपास आ चुका है, दिसंबर वायदा और जनवरी वायदा में उससे भी ज्यादा गिरावट है। तो फिलहाल के लिए प्राइजेस की अगर रेंज की बात करूं तो दिसंबर वायदा नीचे में 1140 तक लुढ़क सकता है, जबकि वायदा 1120 तक, वहीं ऊपर का लेवल 1200 का है दिसंबर वायदा में, और जबकि जनवरी वायदा में 1180 का स्तर देखने को मिल सकता है। आज इंट्राडे में फिलहाल के लिए गिरावट है, लेकिन गिरावट में वहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और वापस से बाजारों में तेजी बन सकती है। वहीं अगर बात करें सीपीओ की तो सीपीओ में भी ऊपरी स्तरों पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सीपीओ भी लुढ़का हुआ है, 1058 पर है, 1040 तक नीचे जा सकता है, अच्छी खासी गिरावट है, 2.5% की गिरावट है। आज मुझे लगता है कि ये गिरावट बढ़ सकती है, आज का ट्रेडिंग सेशन गिरावट वाला हो सकता है, लेकिन वहीं कल और परसों में वापस से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर जो लेवल की बात करें 1040 के आसपास सीपीओ भी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हमारे साथ सुनील वकार जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे कि बिनौला खल को खरीदारी में कब रहे, बिनौला खल को कब खरीदें, बाई करके कब चलें या भी रुक के चला जाए? देखिए जब गिरावट आती है तब आपको बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, इसमें जैसे ही मार्केट 2700 के अराउंड आता है तो आप वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। लगातार हमने यही बोला है कि निचले स्तरों पर आप बाइंग करें और वहां पर आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है, और 2800-2850 के ऊपर हमने इसको कई बार जाते हुए देख लिया, तो अभी भी यही लेवल्स है, नीचे में डिप आती है तो वहां पर बाइंग करके चला जा सकता है। जी तीसरे रूपा जी, बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं अभिषेक हिंगवे जी, जिनका सवाल कॉटन को लेकर आ रहा है, कॉटन रखना चाहिए या बेचना चाहिए? रूपा जी इनका सवाल का उत्तर जाने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि खबर निकल के सामने है कि चाइना का कॉटन का जो उत्पादन है वो 3% कम रह सकता है, और चाइना कॉटन का सबसे बड़ा खरीदारों में से एक है। आपको क्या लगता है इसका असर भारतीय कॉटन की कीमतों पर कितना देखने को मिल सकता है? क्या हाजिर में भी कॉटन 10,000 तक जाती नजर आएगी? देखिए कॉटन जो है वैसे तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन जनवरी ऑनवर्ड जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि वहां पर प्रेशर बन सकता है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली कीमतों के अंदर तेजी आ सकती है, लेकिन चाइना इंडिया से चाइना को एक्सपोर्ट होगा अभी ये देखना होगा कितने मात्रा में होगा अगर यहाँ से चाइना से डिमांड निकलती है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो कम बताया जा रहा है और डोमेस्टिक भी, तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही फिलहाल पॉजिटिव है। अभी मुझे लगता है कि 15-20 दिन तक मार्केट जो है आने वाले 15 दिनों तक या 20 दिनों तक मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है और उठ सकता है मार्केट, और वायदा की बात करें तो 32,000 के अगर ऊपर निकलता है टेक्निकली तो 33,000 तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि बाजार जो है इन्हीं रेंज के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां से फिलहाल बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन तेजी छुटमुट बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या रहेंगे एग्री कमोडिटीज में आप की तरफ से? देखिए एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज के अंदर आज तो फिलहाल काफी कमोडिटीज ऐसी हैं जो लुढ़कती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धनिया जो है धनिया में तेजी बन सकती है, धनिया के साथ साथ आज ग्वार जो है वो गिरावट के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है, इस गिरावट में ग्वार के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। फर्स्ट हाफ में कमोडिटीज में गिरावट है, लेकिन आने वाले टाइम में वापिस से बाजार जो है वो तेजी में जा सकते हैं, इंट्राडे स्ट्रेटजी लेनी हो तो सेलिंग करके चला जा सकता है सोयाबीन के अंदर भी और ग्वार के अंदर भी, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति लेनी चाहिए, और बिनौला खल अभी भी इन लेवल्स के ऊपर भी बाइंग करके चला जा सकता है, 2780 के आसपास है, और जबकि जनवरी वायदा भी 2780 पे है तो 2760-2740 की रेंज आए तो वहां पर जनवरी वायदा में भी बाय किया जा सकता है, बाइंग के लिए बिनौला खल अभी आज के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे वो आज की कमोडिटीज जिनके अंदर आज आप खरीदारी बिकवाली करके चल सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं इंटरडे के अंदर जैसे कि रूपा जी ने बताया। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।